तो अपर सरफेस जो है वो हम उसको नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो लोअर सरफेस होती है हम उसको नाम देते हैं लोअर एपिडर्मिस। जो लीफ की लोअर एपिडर्मिस होती है वहां पर बहुत से टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं स्ट्रोमेटा। इन्हीं स्ट्रोमेटा के जब हम नेक्स्ट हम जाते हैं तो हमारे पास अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जो सेल्स होते हैं हम इनको नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स। इन मेसोफिल सेल्स के दरमियान में बहुत सी खाली जगह होती है, उन्हें हम नाम देते हैं एयर स्पेस। तो अब यहां पर हम बात करें स्टोमेटा के ट्रांसिस, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस। तो स्टोमेटा जो है लीफ की लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। एयर स्पेसेस दे आर प्रेजेंट इन द इनर सेल्स ऑफ लीफ कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। तो एयर स्पेसेस जो मौजूद होते हैं जो इनर सेल्स हैं लीफ के जिनको हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल, दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो ये हिस्सा लेते हैं पौधों में गैसों के दबाव के लिहाज से। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंटिसल से। तो लेंटिसल से अगर हम बात करें, लेंटिसल जो होते हैं जो हमारे पास जो टेम्परेट प्लांट्स हैं, हमारे पास ट्रीज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इनमें जो इनका वुड स्टेम्स होते हैं, जो इनके लकड़ी रखने वाले जो दरख्त हैं हमारे पास, उनकी जो छाल होती है उस छाल में टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं लेंटिसल। लेंटिसल आल्सो अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, दे आल्सो हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। जो लेंटिसल जो लकड़ी की छाल रखने वाले जो दरख्त होते हैं उनके जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो वो सुराख भी क्या करते हैं पौधों में गैसों के दबाव में किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट जो आता है जंग रूट्स। तो जंग रूट्स जो है यूनली जो यंग प्लांट्स हैं उनके जो जंग रूट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल। इन सॉइल देयर आर मेनी बेसिक प्रेजेंट, दे आल्सो इन्वॉल्व इन गैसेस विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये जो जंग रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसों का दबाव लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स दे आर प्रेजेंट इन वाटर। तो ऐसे पौधे जो पानी के अंदर पाए जाते हैं हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। दे आल्सो गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो एक्वाटिक प्लांट्स जो ऐसे पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन को हासिल करते हैं पानी से और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं वाटर के अंदर। तो अब जो आम प्लांट्स हम बात करते हैं कि जो हमारे पास खुश्की पर पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं डे टाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अगर हम बात करेंगे कि लीफ सेल्स फेस टू सिचुएशन ड्यूरिंग द डे इन द डे टाइम एंड नाइट टाइम। लीफ सेल जो दो हालात का सामना करता है, एक होता है डे टाइम और दूसरा होता है नाइट टाइम। तो डे टाइम के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो लीफ सेल्स होते हैं जो मेसोफिल सेल्स हैं, जो मेसोफिल सेल्स हैं जो मौजूद है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर देखिए डॉट पहले लगा ये डॉट्स का मौजूद मतलब है कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो हम कहते हैं गो साइड बाय साइड इन लीफ सेल्स ऑफ प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं जो लीफ के सेल्स होते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है प्लांट्स मेक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस में पौधे जो है अपनी खुराक बनाते हैं रोशनी की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में, और क्या बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है ये यूटिलाइज होती है रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस करने। तो इस तरह फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है डे टाइम में लीफ सेल्स के अंदर साइड बाय साइड चलते हैं। नाइट टाइम में अगर हम बात करें देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, रात के वक्त जो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
In the night time, the plants release carbon dioxide and get oxygen from the environment. तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था गैसीय जीवन प्लांट्स के लिहाज से. तो हम इस डायग्राम की बात करेंगे गैसीय जीवन लीफ के लिहाज से. तो सबसे पहले जो है लीफ सरफेस के लेफ्ट, सबसे पहले उसके ऊपर एक बेसिक कुटिकल होती है. नेक्स्ट जो है वो अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जो सेल्स होते हैं मेसोफिल सेल्स कहते हैं. इन्हीं मेसोफिल सेल्स के दरमियान में जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं जिन्हें सैलम और फ्लोएम का नाम देते हैं. लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं टाइनी पोर्स जिन्हें हम नाम हैं स्ट्रोमेटा का. स्ट्रोमेटा के इर्द गिर्द जो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं उन सेल्स का नाम हैं गार्ड सेल्स का. तो स्टूडेंट जिसने बात पूछे तो उस व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं.